जय श्री कृष्णा। गीता धाम गुरुकुल में फिर से आपका स्वागत। क्लास सिक्स सब्जेक्ट SST। क्या है सब्जेक्ट? SST। और आकेटक और संग्रह किस प्रकार से किए जाते हैं, वो चार चीज़ें जो आपको दी गई है। और आगे हम बताएंगे आपको कि खेती बाड़ी पशुपालन किस प्रकार किया गया था, ये सारी की सारी चीज़ें दी गई थी। तारीख हो गई है 30/7/2021। अब बताया गया बचने की प्रक्रिया, रोग लेने की प्रक्रिया किस प्रकार की है। पहले मैंने बताया खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई थी, पशुओं कैसे पालते थे, कैसे जानवरों को पकड़ा गया था, किस प्रकार उन्होंने कोशिश की थी, इस प्रकार धीरे धीरे हम बचने लोग एक जगह, पहले लोग गुमतक होते थे, अब धीरे धीरे लोग एक जगह रहना सीखने लग गए थे। अब देखिए, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बचने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। क्या दिया गया है? बचने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। लोगों द्वारा पौधे उगाने यानी धान उगाने, अनाज उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बचने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। नेक्स्ट में अपनाए गए पौधे तथा जानवर अवसर जंगली पौधों और जानवरों से भिन्न होते हैं। जंगली जानवरों और जंगली पौधों से पीडेंट डिफरेंस होते हैं। इसी की वजह यह है कि बचने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों और जानवरों को लोग चयन करते हैं। क्या करते हैं? बचने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों के का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं। जिनके बीमार होने की संभावना कम यही कम हो यही नहीं हो, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा हो साथ ही उनकी जिनकी मजबूत डंठले अनाज के पक्के दानों के भार को संभाल सके, ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके देखिए, एक बीज से बीज, अब तो आजकल की तकनीक तो बदल चुकी है। उस ज़माने में क्या था कि हम एक दूसरे के जैसे अनाज होता खेत में से और अनाज को बचा कर रख लेते थे और वापस बरसात होने पर उनको ही उगाते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या बदला है, सब कुछ बदल चुका है और बीज भी संकर यानी अच्छी कंपनियों से आने लग गए हैं। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आम तौर पर अहिंसक होते थे। हिंसा नहीं करते, किसी को मारते नहीं, किसी को खाते नहीं थे उनको। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों और पौधों में धीरे धीरे भिन्न होते गए यानी बदलते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। इन दांतों को देखो और इनमें से कौन सा जंगली सुअर का है और कौन सा पालतू सुअर का है। तो देखिए, पालतू सुअर का ये हो सकता है और जंगली सुअर का ये हो सकता है, ठीक है। अब देखियो, बचने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही और ये करीब 12,000 साल पहले शुरू हो गई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बचने की प्रक्रिया की वजह से है। जो आज हम गेहूँ
चावल, मक्का, बाजरा या जो भी मूंगफली या चना, जो भी हम फसल खाते हैं या लेते हैं, यूज करते हैं, वो इन्हीं की प्रक्रिया की वजह से शुरू हुई थी। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ और जौ आते हैं। क्या आते हैं? सबसे पहले किसका उत्पादन हुआ था? गेहूँ और जौ का। उसी तरह के सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ और बकरी आते हैं। क्या आते हैं? कुत्ते के बाद में भेड़ और बकरी आते हैं। क्या आते हैं? भेड़ और बकरी आते हैं। एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इन इसे विकसित होने से कुछ वक्त लगता है। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। ये पता ही है आपको, एक पौधा उगाएंगे, फिर धीरे धीरे बड़ा होगा, फिर बड़ा होने के बाद उसमें बीज आएंगे, फिर हम उसको फसल को यूज करेंगे, और इसमें कुछ दिन पे महीने या फिर साल तक लग जाता है। जैसे हम बाजरा, गेहूँ और जो ये बीज थे उसमें तीन से चार महीने लग जाते हैं, और इसी प्रकार से जैसे आम का पौधा उसमें 8 से 10 साल लग जाता है पैदा होने में। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उसे देखभाल के लिए उन्हें एक जगह के लंबे समय लेना पड़ता। जब पौधे लगाने लगे तो एक जगह पर टिक के रहना पड़ता था, इसलिए वो बसने लगे थे। बीज बोने से लेकर फसलों को पकने तक, क्या है, बीज बोने से लेकर के फसल को पकने तक वहाँ रहना पड़ता था। पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग वो संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन तथा बीज दोनों के रूप में बचा रखना आवश्यक है, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। किसकी पड़ी? भंडारण इकट्ठा करने की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए। क्या बनाए? मिट्टी के बर्तन, टोकरियां बुनी और फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। क्या किया? ज़मीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते या उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। देखिए, इसके हिसाब से लगता है कि हाँ, बर्तन बनाते होंगे और शिकारी भोजन संग्रह भी सब काम में लेते भी होंगे। जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट में आपको फल पढ़ाया जाएगा।